है गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग डॉट्स। और आज जो हम करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं बहुत सिंपल सी चीज़ के एक इंटेंट से दूसरे इंटेंट में, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली, और ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और ये पहले वाले को मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम एक सिंपली एक और एक्टिविटी बनाएंगे इसके बाद में। पहले हम इस एक्टिविटी पे एक काम करते हैं कि हम एक बटन बनाएंगे और जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो हम दूसरी एक्टिविटी में चल जाएंगे। तो पहले ये टेक्स्ट व्यू जो है इसको हटा दो यार, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त, तो पहले हम इसको हटाते हैं। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक बटन को, तो यहाँ से कंपोनेंट से आप बटन उठा के यहाँ पे डाल दो। और ये कंस्टेंट लेआउट है तो इसको ना चारों तरफ से बांधना होता है, इसलिए देखो यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। फिलहाल हम डिजाइनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपली जाएंगे हमारी मेन एक्टिविटी में और यहाँ से जो मेन एक्टिविटी और जावा की फाइल है, पहले देख लो इसकी आईडी, ये बटन आईडी है इसकी। ठीक है, आईडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम मेन एक्टिविटी और जावा में जाते हैं, तो ये जावा की फाइल है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एक बटन बनाना होगा और इसको एक इट्स लाइक अ वेरिएबल, तो इसको एक नाम देना होगा। ठीक है, BTN। अब BTN को मैं कनेक्ट करूँगा वहाँ वाली आईडी से, तो हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं और ये r.id. उसके बाद आईडी का नेम लिख देते हैं, इससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब एक नई एक्टिविटी बनाते हैं कि हम किस एक्टिविटी में जाने वाले हैं। ठीक है, नई एक्टिविटी है ना हमारे लिए, तो यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी ले लो एक। ठीक है, और इसका नाम है मेन एक्टिविटी 2, तो हम चलते हैं मेन एक्टिविटी 2 में चलेंगे हम लोग वो फर्स्ट एक्टिविटी से। तो मेन एक्टिविटी में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक वेलकम मैसेज चाहिए कि मैं जब क्लिक करूँ बटन पे तो अगली स्क्रीन पे मुझे वेलकम दिख जाए, बस हम इतना ही करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट व्यू डालते हैं, चलो डिजाइन पे आओ, यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू उठाओ और यहाँ पे डाल दो। और ये कंस्टेंट लेआउट है तो हमें इसको चारों तरफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, बांधना होगा, तो ये प्लस प्लस के बटन पर दबा दो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें एक बहुत सिंपल सा काम करना है कि जो ये इसका नाम है यहाँ पे वेलकम लिख दो। ठीक है, हमें क्योंकि वेलकम दिखाना है और इसकी साइज़ बहुत कम है, तो इसकी टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा लो, यहाँ से टेक्स्ट साइज़ लिख के 40 dpi दे दो, काफ़ी है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर से हमारी डिजाइन पे और यहाँ से हम चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी और जावा पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें इस बटन के क्लिक पे, जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो उसका फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इससे बोलते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर आपको न्यू ऑन क्लिक लिसनर करना होता है, तो फिर ये पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक ये मेथड बनता है और इसके अंदर हम कोड लिखते हैं जो भी क्लिक होने पे होगा। ठीक है, तो ये है एक इंटेंट, हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी होती है कि हम कौन से एक्टिविटी से जा रहे हैं और कौन सी एक्टिविटी में जाना है। तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये अपने आप गेट कर लेता है कि तुम कौन सी एक्टिविटी में हो, और ये मेन एक्टिविटी डॉट क्लास लगाना मत भूलना। तो यहाँ पे हम कौन से एक्टिविटी में जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी करके एक फंक्शन है, इसके अंदर आपको इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि इसको इस एक्टिविटी में भेज दो भाई। ठीक है, तो सिंपल सा काम था, ये हमारा काम हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल था। और अब हम सिंपली इसको रन करके देखते हैं, और ये यहाँ पर मैंने बटन पर क्लिक किया, देखो ये बटन पर क्लिक किया, ये वेलकम, ये मेरी फर्स्ट एक्टिविटी बैक करने पर, ये मेरी सेकेंड एक्टिविटी क्लिक करने पर। तो ये बहुत सिंपल सा काम था और हो चुका है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और चीज़ कि हम ना अब क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे इंटेंट के साथ, मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा को किस तरीके से ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो ये देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि परमानेंटली डेटा को सेव किस तरीके से कर सकते हो आप आपके ऐप के अंदर, मान लो कि लॉगिन पासवर्ड ये सब कुछ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर कुछ हेल्प मिले तो लाइक करना, प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइब।